क्योंकि लेट है ट्रेन, इसलिए 4 घंटा लेट है हमारी ट्रेन। ये BSF में गोरखा लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रायोरिटी दे रहा है, बहुत अच्छा है। हाँ, आज का जो मौसम है ना वो दौड़ने के लिए बहुत ही बढ़िया था। मेरा मोबाइल कल रात से स्विच ऑफ था पूरा, इसीलिए वो ट्रेन में चार्ज करने का जो पॉइंट होता है ना, चार्जिंग पॉइंट, वो भी खराब था, इसीलिए मैं फोन चार्ज नहीं कर पाया। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, टाइम अपडेट इट्स 5:25 PM और अभी हम लोग हैं यहाँ पे न्यू माल जंक्शन में, जैसे कि मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो। और मेरे साथ में हैं सबिन भाई और नंदा भाई, यहाँ से निकल रहे हैं कोलकाता नदिया की ओर, जहाँ पर हमारा BSF का रिक्रूटमेंट है, फिजिकल टेस्ट वहाँ पर रह गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज हमारा जो ट्रेन था कंचन कन्या, वो 25 मिनट्स लेट से आ रहा है, तो थोड़ा देर और रुकना पड़ेगा। और उसके बाद रिक्रूटमेंट में प्रोसेस क्या क्या रहेगा वो भी आप लोग को बताऊँगा, तो इन तक बनी रहे ना। तो गाइस, गुड मॉर्निंग, और अभी मैं हूँ यहाँ पे सियालदह जंक्शन के आगे में। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग ने नाश्ता कर लिया है अभी गाइस, और 8:30 को यहाँ पे हम लोगों को पहुँचा दिया था, और थोड़ा आगे आके हम लोग ने थोड़ा नाश्ता वगैरह अभी लिया है। और यहाँ से अभी हम लोग को फिर एक ट्रेन लेना पड़ेगा जो कल्याणी तक जाएगा। तो और यहाँ का मौसम क्या ही बताऊंगा, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई है, गर्मी बहुत ही है, इतना बड़ा बड़ा पानी लेके चलना पड़ रहा है अभी, देखो। और मेरा तबीयत थोड़ा अभी ख़राब हो रहा है, और मेरा तबीयत भी अभी थोड़ा ख़राब हो रहा है, थोड़ा मार्गी जुकाम हो रहा है, तो थोड़ा टेंशन भी हो रहा है दौड़ने के लिए, सकेगा ही नहीं सकेगा। कुछ है यहाँ का नज़ारा देखो भाई, और धूप इतना ज़्यादा खिला हुआ है ना, बाप रे बाप, क्या ही बताऊंगा भाई। मेरा मोबाइल कल रात से स्विच ऑफ था पूरा, इसीलिए वो ट्रेन में चार्ज करने का जो पॉइंट होता है ना, चार्जिंग पॉइंट, वो भी ख़राब था, इसीलिए मैं फ़ोन चार्ज नहीं कर पाया, इसीलिए कल रात से मैंने ब्लॉक नहीं किया। तो अभी सुबह यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे फिर से सियालदह जंक्शन की ओर, जहाँ से हम टिकट लेने वाले हैं। तो ये रहा आगे में हमारा सियालदह जंक्शन, कल लेने जाने के लिए हम लोग ट्रेन पकड़ चुके हैं यहाँ से। और यहाँ पे हमें दो भाई मिला है जयगांव से, इन लोगों के साथ भी जा रहे हैं, ये लोग भी वहीं पे जा रहा था, तो इसलिए हम लोग साथ में जा रहे हैं। और ये कुछ ऐसा वाला ट्रेन है, देखिएगा पहली बार देख रहा हूँ ये वाला ट्रेन। चलो अब जाएगा यहाँ से सीधा कल्याणी की ओर। ओके, तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कल्याणी जंक्शन में, और यहाँ से अभी आगे देखना पड़ेगा क्या कुछ रहेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ से बाहर निकलने से वहाँ पे ऑटो वगैरह मिल जाएगा, जो कि हमें वहाँ BSF कैंप तक ले जाएगा, ठीक है। और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। गर्मी कैसा है भाई? एकदम भालो, बढ़िया है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। गर्मी तो इतना ज़्यादा गर्मी है कि क्या ही बताओ भाई। टाइम हुआ है 4:09 और गाइस हम लोग ने अभी लंच करके आया, क्योंकि 12-1 बजे को इतना ज़्यादा धूप था ना, क्या ही बताओ, हम लोग ने लंच नहीं कर पाया उतना गर्मी से। तो अभी हम लोग ने लंच करके आए हैं, और पीछे में देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया आप लोग को ये रोड देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये हाईवे है ना नदिया का, इसलिए। मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे 2 इन नदिया कल्याणी, और अभी हम लोग सुबह के टाइम में जो चाय पीने के लिए जा रहे हैं, और मेरे साथ में है एक भाई रोलेक्स करके। अपना बारे में कुछ बता दो थोड़ा, नाम वगैरह। मेरा नाम है हसीबुल है, मतलब मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से ना, वो लेकिन ये वो भर्ती के लिए नहीं आया, ये अपने काका के लेके आया था। और जैसे कि आज मेरा 10 लोग का रनिंग है, लेकिन मेरा आज नहीं है, मेरा कल है, क्योंकि वो लोग का 8 तारीख को था, मेरा 9 तारीख है, लेकिन कैसे हो गया वो नहीं पता, लेकिन कल सुबह का जाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो और अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा चाय लेंगे उसके पहले। और दोस्त, मेरा दोस्त जो आज गया था रनिंग के लिए, शायद उसका हाइट की वजह से उसको बाहर कर दिया होगा शायद, अभी उससे मिल के कि पूछ लेते हैं क्या कुछ रहते हैं वहाँ पे अंदर का प्रोसेस। तो चलो देखते हैं आगे क्या होगा, कि इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे ट्रक वगैरह चलता है ना, रोड भी इतना बड़ा है, तो चलो इसको पार कर लेते हैं पहले। रिक्रूटमेंट तो कल होने वाला है, देखते हैं क्या कुछ रहेगा। लेकिन यहाँ का गर्मी ना इतना ज़्यादा है ना, गर्मी इतना भयंकर है ना, बहुत गर्मी। और रात में सोते वक्त ना गाइस, यहाँ का लाइट चला जाता है, तो अपना ऐसा नरक जैसे, हेल जैसे फील होता है। बाप रे बाप, इतना दुख से सोया ना कल, अभी तक नींद भी पूरा नहीं हुआ, नींद भी नहीं हुआ, हाँ सो भी नहीं पाया अच्छे से, ऐसे में कैसे डर पाएगा, वो भी टेंशन है अभी। तो आज रात को भी रुकना पड़ेगा, आज रात में भी अगर लाइट चला जाने से तो बहुत ही बुरा होने वाला है गाइस। तो चलो अभी पहले चाय पी लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को, इसका हाइट में इसको बाहर कर दिया है अभी, लेकिन ये गोरखा होने की वजह से भी इसको बाहर कर दिया, लेकिन क्यों बाहर किया है इसका भी रीज़न है।
ये गोरखा है लेकिन ये डुअर्स का है, दार्जिलिंग का नहीं है, जो हिल्स का नहीं है, इसी वजह से इसको बाहर कर दिया। अभी बहुत दुख में है लड़का, इतना दूर से मेहनत करके आया था, बहुत रनिंग पैडिश किया था इसने, बहुत ही ज़्यादा, हर सुबह सुबह शाम को दौड़ता था, फिर भी अभी इसका नसीब में नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, और कल देखेंगे मेरा भी क्या कुछ हाल रहने वाला है, शायद मुझे भी निकल सकते हैं। मेरा हाइट तो सिर्फ 160 ही है, इसका 164 था ना, 164.5 होने से भी इसको बाहर कर दिया है, और मेरा 160 है सिर्फ, लेकिन मैं दार्जिलिंग का गोरखा हूँ तो उसी वजह से थोड़ा चांस भी है, लेकिन वो कल को ही पता चलने वाला है। ठीक है, तो अभी इसका जो होना था वो तो हो गया है, अभी हम लोग थोड़ा चाय वगैरह लेते हैं और उसके बाद रूम में जाके फिर रेस्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो थोड़ा नहाने के बाद अभी हम लोग ऐसे निकल रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए, आगे मिल जाएगा थोड़ा घूम के आएगा। और इसका तो जो हाइट में है इसका डिस्क्वालीफाई कर दिया है, और ये बात ही नंबर करे, हाँ ये आज से रुकने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैं कल एक दिन आगे आया था, इसके लिए एक दिन रुका है, तो ये भी मेरे लिए एक दिन रुकेगा कल को। तो अभी हम थोड़ा घूम के आएंगे पहले, और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है गाइस, देखो आज का वेदर बहुत अच्छा है। हाँ, आज का जो मौसम है ना वो दौड़ने के लिए बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि कल जब हम यहाँ पे पहुँचा था तो इतना ज़्यादा धूप था ना, इतना गर्मी था, उसे देखे तो आज बहुत ही अच्छा है। टाइम हुआ है 2:30, और अभी हम लोग ने लंच करके आया है, अभी लंच करके आया है, जैसे देख सकते हो, और यहाँ पे 12 बजे 1 बजे को ना लंच नहीं कर सकते, इतना गर्मी है, इतना ज़्यादा गर्मी है कि क्या ही बताऊँ। यहाँ पे अभी 37 डिग्री है गर्मी, तो पसीना देता है, हमारा पसीना इतना आ रहा है, पूरा दिन भर भीगते रहता है पसीने की वजह से, और दिन में तो 2-3-4-5 बार नहाना पड़ता है यार, क्या ही बताओ, इतना दुख, इतना परेशान जो हम झेल रहे हैं। रात जो था ना 1 बजे को लाइट चला गया था, यहाँ से लाइट चला गया था यहाँ का, तो उसी वजह से हम लोग ना इतना ज़्यादा तड़प रहा था रात को, 1:30 में उठ के हम लोग सोया ही नहीं, पूरा रात भर ऐसे ही बैठा रहा, इतना ज़्यादा गर्मी है क्या ही बताओ आप लोगों को। अभी हमने जैसे तैसे करके लंच कर लिया है, तो अभी हम लोग रूम पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ा रेस्ट करेगा, यहाँ पे भी लाइट नहीं है, अभी इतना दिक्कत है ना क्या ही बताओ, गर्मी ऊपर से वही है, तो झेलते हैं ये एक दिन को। कल ही आया लाइट, अभी तो लाइट आ गया है, शुक्र गुजार है, वरना को पूरा नरक में चला जाता है। खाना खाने के लिए भी उतना दूर में जाना पड़ता है, क्या बताओ गाइस, जाते वक्त एक बार भीग जाता है और आते वक्त एक बार फिर से भीगता है। ओके, तो गाइस टाइम अपडेट इट्स 4:17 AM इन द मॉर्निंग, और मेरे साथ में है एक भाई, भाई कहाँ से हो? मैं मालदा से हूँ। मालदा से, और अभी हम दोनों ऐसे निकल रहे हैं रूम से, और ये आगे वाला गेट हमने पार कर लिया है, और उसके दूसरा वाला गेट से हमारा एंट्री है, और वहीं पे देखना पड़ेगा कितना बंदे लोग आया है और क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, अभी लड़के लोग निकल रहे हैं यहाँ से BSF कैंप से। ओके, तो गाइस अभी टाइम अपडेट इट्स 12 PM, 12:02 जा चुके हैं, और अभी BSF कैंप से आया है यहाँ पे रूम में। सबसे बड़ी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो रनिंग था 5 किलोमीटर वो हमने कंप्लीट कर दिया, बहुत ही खुश हुए एकदम से, दिल से अंदर से ना, जो हम लोग ITBP में भी गया था लास्ट टाइम आसाम में, वहाँ पे भी हम लोग ने रनिंग पास किया था, लेकिन वहाँ पे हाइट में हम लोगों को डिस्क्वालीफाइड किया गया था, अनफिट कर दिया था, लेकिन ये BSF में गोरखा लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रायोरिटी दे रहा है, जितना भी हाइट हो पर गोरखा सर्टिफिकेट हो तो आप लोगों को सिलेक्शन वो लोग सेलेक्ट कर ही लेगा, और आप और गोरखा से वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ का टेम्परेचर है अभी 34 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का टेम्परेचर है 34 डिग्री, और जो 37 तक जाने वाला है, मतलब और ही ज़्यादा गर्मी यहाँ पे बढ़ने वाला है। पहले फ्रेश हो जाते हैं नहा धो के, और थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट करेगा रूम में, और उसके बाद हम लोगों का आज ट्रेन है 8:30 को पंचकन्या एक्सप्रेस, जो कि हमारा न्यू माल जंक्शन तक जाने वाले हैं, तो उसमें हम लोग उसके लिए हम लोग यहाँ से निकलेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा नहा धो के थोड़ा रेस्ट करेगा, और उसके बाद नाश्ता पानी करके यहाँ से निकल जाएगा। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर कल्याणी में, और यहाँ से हम लोग सीधा हावड़ा तक जाएंगे, और वहाँ से हावड़ा बीच थोड़ा घूम के फिर सियालदह जंक्शन जाने वाले। देखिए गाइस, लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए ऐसा दौड़ना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ये लोकल ट्रेन ज़्यादा रुकता नहीं है ना, जस्ट आपका 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड तक ही रुकता है, इसलिए जल्दी जल्दी दौड़ के ऐसे चढ़ना पड़ता है इसमें, और ये बहुत ही बड़ी भरा होता है, देखिए यहाँ पे इतना पैक होता है ना। टाइम हुआ है ऐसे
अच्छा बस के 5 मिनट। और अभी हम लोग हैं यहाँ पे सियालदह जंक्शन में, और जैसे कि हम लोग ने एक प्लान बनाया था वहाँ पे हावड़ा जंक्शन जाके हावड़ा से वहाँ पे हावड़ा ब्रिज घूमेगा, पर हम लोगों को प्लान कैंसिल करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जोर तार का बारिश हो रहा था, इसलिए रास्ते में चलने से भी बड़ा थोड़ा तकलीफ हो रहा था। उधर में कचक कचक जो कीचड़ होता है ना, कीचड़ लग रहा था पेड़ में, तो हम लोग ने सोचा नहीं जाएगा, और इसीलिए वजह से हम लोग ने उधर में थोड़ा बहुत मार्केट घूमा। टिकट भी नहीं लिया है, हम 8 बजे के बाद जाएंगे टिकट लेने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग के फिलहाल बागडोगरा जंक्शन में, यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत बारिश भी हो रहा है, बहुत ही लेट है ट्रेन, ऐसे 4 घंटा लेट है हमारी ट्रेन। तो नहीं क्या हो रहा है इस ट्रेन के साथ, 9:30 तक तो हम लोग पहुँचना था हमको निर्मल जंक्शन में, पर अभी यहाँ पे 12 बज चुके हैं, हम लोग यहीं पे बागडोगरा में ही है। चलो अभी देखते हैं कितने बजे को पहुँचेगा वहाँ में। ओके तो फाइनली गाइस हम लोग माल जंक्शन आ चुके हैं, और टाइम अपडेट इस 2 PM। मैं पहुंचना था यहाँ पे 9:30 को, लेकिन बहुत ही लेट था हमारा ट्रेन, इसलिए हम 2 बजे को यहाँ पे पहुंच गया है अभी। तो अब यहाँ से सीधा घर जाएंगे। सो दैट्स इट, इस ब्लॉग में इतना ही था गाइस। अगर आप लोगों का भी वहाँ पे फिजिकल टेस्ट है तो आप लोग इस ब्लॉग को देखते हुए जा सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू लाइन एज ऑलवेज, यू गाइस आर अमेजिंग। प्लीज़ बाय बाय।